नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। अल्लापुर में बक्सी बांध स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में मंगलवार की सुबह क्लोरीन गैस के सिलेंडर में लीकेज होने से खलबली मच गई। घटना की जानकारी गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई के अधिकारियों, पुलिस एवं फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंचे अधिकारियों और फायर ब्रिगेड की टीम ने बांध पर आने जाने वाले लोगों को रोककर सिलेंडर के लीकेज को किसी तरह नियंत्रित किया। इसके बाद सारा एसटीपी में कार्य शुरू हुआ। बक्सी बांध स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, यहां पानी शोधित होकर लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है। मंगलवार की सुबह भी रोज की भांति यहां कर्मचारी कार्य में मशगूल थे। इसी दौरान अचानक प्लांट में क्लोरीन गैस का रिसाव होने लगा। जब गैस की महक फैली तो इससे पता चला वहां पर काम कर रहे स्टाफ को। आनन फानन में अधिकारियों, पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बाद कर्मचारी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से बाहर निकल गए। जानकारी होने पर वहां संबंधित थाने की फोर्स पहुंच गई। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड के कर्मचारी और गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई के अधिकारी भी वहां पहुंच गए। दमकल कर्मचारियों ने क्लोरीन गैस को हो रहे रिसाव को बंद करने का उपक्रम शुरू किया। मशक्कत के बाद गैस रिसाव को नियंत्रण कर लिया गया। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बांध से सटा हुआ है। बांध पर लोगों का आवागमन रहता है। प्लांट में क्लोरीन गैस का रिसाव होने लगा तो पुलिस ने बांध के दोनों छोर पर लोगों का आवागमन बंद कर दिया। हालांकि लोगों को अचानक बांध पर आवागमन रोकने को लेकर उत्सुकता भी रही, पर जब पता चला तो वह दूसरे रास्ते से अपने गंतव्य की ओर गए। अल्लापुर में बक्सी बांध स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीन गैस के रिसाव का असर आसपास के पौधों पर भी नजर आया। जब गैस हवा में घुली और वहां के पौधे तक पहुंची तो वह पीले पड़ गए। वहीं दूसरी ओर बगल ही अल्लापुर की घनी आबादी भी है, ऐसे में वहां के लोगों में भी दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया था। हालांकि समय रहते फायर कर्मियों ने क्लोरीन गैस के रिसाव को कंट्रोल कर लिया है। खबर जगत के लिए प्रयागराज से विनोद कुमार की रिपोर्ट।